रजनी नरसुलेकर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। हाय फ्रेंड्स, आई एम रजनी नरसुलेकर फ्रॉम डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। हाय फ्रेंड्स, इस समर वैकेशन में मैं मध्य प्रदेश गई थी। मध्य प्रदेश जाने का दो कारण था। एक तो यूनिवर्सिटी को विजिट देना था एफिलिएशन के लिए, राइट। कुछ कोर्सेस में, कुछ मेडिकल एडमिशंस में, इंजीनियरिंग एडमिशंस में मैं इंटरेस्टेड थी। इसके लिए मैं भोपाल मध्य प्रदेश गई थी। मध्य प्रदेश जाने का एक बहुत बड़ा कारण, मेरे सामने जब संधि आई कि मध्य प्रदेश जाना है, तो मुझे उज्जैन के महाकालेश्वर तीर्थधाम करना था और अमरकंठक में नर्मदा माता का उद्गम स्थान देखना था और सती माता के दो सती माता के जो टुकड़े धरती पर गिरे, शिवजी जब सती माता का शरीर अग्नि से दहन हुआ था, तो शिवजी अपने खबे के ऊपर सती माता का मृत शरीर लेकर चल पड़े थे, पता नहीं कहाँ, लेकिन चलते जा रहे थे। तभी विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ के सती माता के शरीर के टुकड़े करके वो धरती पर गिराए थे, क्योंकि उसके बिना पार्वती माता का पुनर्जन्म होता नहीं, राइट। आत्मा को जब तक शरीर भस्म होता नहीं है, शरीर मिट्टी में मिलता नहीं है, तब तक आत्मा को दूसरा शरीर मिलना मुश्किल होता। इसलिए विष्णु जी ने सती माता के शरीर के टुकड़े सुदर्शन चक्र से करके धरती पर गिराए। तो जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। कई पुराणों में कहा गया है कि सती माता के 51 टुकड़े हुए, कोई पुराण कहता है 52 टुकड़े हुए और कोई कहता है 108 हुए, 108 हुए। और जब मैंने देवों के देव महादेव देखा था, तो मेरे दिल में एक बहुत दर्द हुआ था। सती माता के टुकड़े जब धरती पर गिरे, वो मोहब्बत करती थी शिव जी से, इतना असीम प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता, उसके घर के लोग इस पवित्र पावन मोहब्बत को समझ नहीं पाए। तो आखिर में उनकी इतनी किरकिर और किटकिट हुई कि सती माता के 51 टुकड़े या 52 टुकड़े या 101 टुकड़े हुए और वो धरती पर गिरे। और जहाँ जहाँ वो टुकड़े माताजी के गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ का निर्माण हुआ, राइट। जब पार्वती माता का शिव जी के साथ ब्याह हुआ, तो दोनों पार्वती माता और शिव जी हर वो शक्ति पीठ पर गए जहाँ जहाँ सती माता के टुकड़े गिरे थे, और वहाँ जाकर उन टुकड़ों की उन्होंने पूजा की और वहाँ एक शक्ति निर्माण हुई। तब से मेरे दिल में, मेरे जी में था कि मैं मरने से पहले सती माता के 51 टुकड़े शक्ति पीठ जहाँ बने हैं, वहाँ मैं जाऊँगी, उसे विजिट करूँगी और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग विजिट करूँगी। अभी तक मेरे 7 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, 12 ज्योतिर्लिंग करना है मुझे, और माता जी के हर स्टेट में जाकर 3, 4, 5, हिमाचल प्रदेश में तो 7 टुकड़े मिले मुझे, जम्मू कश्मीर में
कुछ टुकड़े मिले। मध्य प्रदेश में दो टुकड़े हैं माता जी के, एक अमरकंठक में है और एक उज्जैन में है। अमरकंठक में माता जी सती माता का जहाँ टुकड़ा गिरा है वो वन औषधि जड़ी बूटी औषधि के वन में विंध्याचल और सातपुत्रा पहाड़ों में मैकाल पहाड़ों में गिरा है। माता जी का नितंब गिरा है, थाई गिरा है मैकाल माउंटेन्स में, जो विंध्याचल माउंटेन रेंज में आता है और सातपुत्रा माउंटेन रेंज में आता है मध्य प्रदेश में। और दूसरा है हर सिद्धि दास मंदिर उज्जैन में, माता जी का वहाँ पर लिप्स गिरा हुआ था उज्जैन में। अच्छा, अभी मेरा मध्य प्रदेश जाने का मकसद था, जो इतने में दौड़ के भाग भाग कर गई थी, वो था मेरी सती माता का, जहाँ टुकड़े गिरे हैं और वहाँ शक्तिपीठ बना है, वो शक्तिपीठ को देखने जाती हूँ मैं। मैं भारत के कोने कोने में जाके मेरी सती का, मेरी माता का, मैं टुकड़ों का दर्शन करके उनके उनके चरणों को मेरा सर झुका कर मैं आना चाहती हूँ। वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक तो मैंने कर लिया राइट, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग के मैंने 7 लिंग कर लिए। तो मध्य प्रदेश में मुझे अमरकंठक जाना था। अमरकंठक जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में विष कौन पिएगा, तो विष शिव जी ने अपने थाली में ले लिया। और जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो शिव जी ने सारा विष खुद पी लिया। तो पीने के बाद में वो विचलित हो गए और रेस्टलेसली वो यहाँ वहाँ भटकने लग गए। तो जब जब शिव जी को जब जब कोई दुविधा आती थी, संकट आता था, परेशानी आती थी, तो शिव जी चल पड़ते, चले जाते सती माता के कोई तो एक टुकड़ों के पास और वहाँ बैठकर तपस्या करते। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग बने राइट। अमरनाथ अलग है राइट, वहाँ पर पार्वती माता ने तपस्या की थी शिव के साथ शादी करने के लिए। अमरनाथ अलग है, 12 ज्योतिर्लिंग अलग है और अमरकंटक जैसे दूसरे शक्तिपीठ भी अलग हैं। अमरकंटक तो शिवजी विचलित हुए तो समुद्र मंथन के बाद में वो चले गए अमरकंटक पहाड़ों में, विंध्याचल पहाड़ों में जहाँ वन औषधि थी राइट, जहाँ पर सती माता का नितंब गिरा था, थाइस गिरे थे, वहाँ पर वो चले गए और वहाँ उन्होंने तपस्या की राइट। वहाँ उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, तपस्या किया, प्राणायाम किया, योग किया और अपने शक्ति से उन्होंने वहाँ पर नर्मदा माता का उत्पत्ति की राइट। जहाँ पर सती माता का थाय नितंब गिरा है वहाँ पर उन्होंने बैठ के तपस्या की और वहाँ से नर्मदा माता की उत्पत्ति हुई, जिसका शीतल जल पीकर शिव जी नर्मदेश्वर बन गए राइट। तो ये अमरकंठक यानी उनके कंठ को काफ़ी सुदिंग मिला और अमरकंठक में वो अमर हो गए। उनका कंठ जो पॉइजनस हुआ था वो अमर हो गया। तो इसी तरह से अमरकंठक नाम गिरा और नर्मदा माता का उत्पत्ति हुई,
और नर्मदा माता वहाँ से अमरकंटक से निकलती है जबलपुर होते हुए, उज्जैन होते हुए, ओंकारेश्वर होते हुए, मांडवा खांडवा करते हुए महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र पार करते हुए गुजरात घोड़बंदर पोरबंदर जाती है और फिर अरब महासागर में मिलती है। तो मैंने अमरकंठक में जहाँ सती माता के नितंब गिरे थे वो शक्तिपीठ किया और नर्मदा माता का उद्गम स्थान देखा और फिर आगे ओंकारेश्वर में मैंने कावेरी नदी और तवी नदी का भी उद्गम स्थान देखा ओंकारेश्वर में। और फिर कावेरी नदी और तवी नदी नर्मदा नदी से मिलती है और एक बहुत बड़े रूप लेती है, माय गॉड, राइट। मध्य प्रदेश के चंदन, मध्य प्रदेश में चंदन के झाड़ों का, लाल चंदन सफ़ेद चंदन झाड़ों का डेंस फॉरेस्ट है। रास्ते के दोनों किनारे नीलगिरी के झाड़ लगे हुए हैं और विंध्याचल पहाड़ों में, सातपुत्रा पहाड़ों में, मैकाल पहाड़ों में चंदन, नीलगिरी और वन औषधियों का भंडार है, बहुत सारा जड़ी बूटियों का भंडार है। फॉरेस्ट के फॉरेस्ट, जंगल के जंगल जड़ी बूटी औषधियों से भरे पड़े हैं। चंबल की घाटियाँ, मैकाल माउंटेन रेंज, विंध्याचल एंड सातपुत्रा माउंटेन रेंजेस में से ये रिवर्स निकलती है, रिवर नर्मदा, कावेरी और तावी नदी निकलती है, राइट। कहते हैं शिव जी ने इन पहाड़ों पे, पहाड़ों में कई युग बिताए थे, राइट। नर्मदा नदी आगे ओंकारेश्वर के किनारे से चलती है और महाराष्ट्र में खांडवा मांडवा होते हुए महाराष्ट्र को जॉइंट होती है। मध्य प्रदेश ये बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टेट है, बहुत वास्ट लैंड है, राइट, बहुत साफ सुथरा जगह है और दूर दूर तक ज़मीनें ही ज़मीनें, खेती खेती, वन ही वन, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी कम है, यहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा है, आदिवासी लोग ज़्यादा है। कहते हैं कि पार्वती ने जब शिव जी अमरकंठक के पहाड़ों पर जाकर बैठे और मेडिटेशन और ध्यान मगन हो गए थे, तब माता पार्वती ने भिलनी आदिवासी के घर जन्म लिया, राइट, क्योंकि उनको वापस लाना था ना, वो विचलित होके वहाँ चले गए थे पहाड़ों में। तो पार्वती माता ने भील आदिवासी जाति के घर में जन्म लिया भिलनी बनकर और फिर शिवजी भील आदिवासी बनकर उससे विवाह करके स्वर्ग वापस लौटे थे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको ट्राइबल बहुत मिलेगा और मैंने ना ट्राइबल एग्जीबिशन देखा है जिसका मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ट्राइबल लोग माता सती पार्वती और शिव की पूजा करते हैं, राइट। मध्य प्रदेश में 2-12 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। मैंने ओंकारेश्वर भी देखा, महाकालेश्वर भी देखा, हर सिद्धि दास मंदिर, सती माता का मंदिर भी देखा और फिर वन में मंदिर भी देखा सती माता का अमरकंठ में, राइट। बहुत अच्छा विजिट था, बहुत आत्मा को, माइंड बॉडी एंड सोल को मेरे शांति मिली, सुख मिला और मैं भारत से, इंडिया से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे आप स्विट्ज़रलैंड जाओ बोलेंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा भारत देखना है, राइट। मेरे भारत की वाइल्ड ब्यूटी,
मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में जाना, नदियों के पास जाना और नदियों के संगम देखना, नेचर के पास जाना, क्योंकि मैं शिव अंश हूँ, माता पार्वती माता सती अंश हूँ, जिनका नाम आर से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, पी और एम से शुरू होता है, वो शिव और शक्ति अंश है, राइट। मेरा नाम आर से शुरू होता है और मेरे घर के अंदर सब लोग आर एस ए पी एम से उनका नाम शुरू होता है और हम लोग शिव शक्ति के अंश है। और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ शिव जी की और माता पार्वती की, माता शक्ति की, सती माता की। थैंक यू। There is a leopard on a shed sleeping. He's breathing. See, he's breathing. फ्रेंड नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑल लव हेल्प एंड कोऑपरेशन इन लाइकिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू।